गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बोला जाता है। तो देखिए, इसमें ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमारा दिया गया है। देखिए क्या है इसका इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ये जो हम रहते हैं, ठीक है, हमारा संसार जो है वो क्या है, त्रिविमीय है। ठीक है, 3D है, 3D है। जिन त्रिविमीय आकृतियों को हम देख सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, उन आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को भी हम माप सकते हैं। ठीक है, या मापा जा सकता है। कई बार हमें इन आकृतियों के अवयव, आकृति के अवयव कहने का मतलब क्या है, उनका आयतन, उनका क्षेत्रफल, ठीक है, ये सब आ जाएगा। तो इनको मापने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, कोई हमें ज़मीन खरीदना है, ठीक है, या बेचना है, तो उसको क्या करते हैं, हम उसको नापते हैं ना, पहले उसको, तभी उसका रेट फिक्स करते हैं। ठीक है, तो वही बोला गया है कि जैसे ज़मीन खरीदते या बेचते समय, मूर्ति बनाते समय कितना सामान लगेगा, इसका पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनकी आकृतियों को मापना पड़ता है। ठीक है, तो त्रिविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग तरीके से मापते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इसका, इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, त्रिविमीय आकृतियों को, त्रिविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन को मापने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको अलग अलग तरीके से देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम देख लिए, परिचय हम देख लिए, अब देखेंगे ये जो त्रिविमीय आकृति है उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं पृष्ठीय जाल क्या होता है। ठीक है, देखिए त्रिविमीय आकृति बनाने के लिए पृष्ठीय जाल बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये पृष्ठीय जाल होता क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, कि समतल आकृतियों को घन का क्या बोलते हैं, पृष्ठीय जाल बोलते हैं, या उसी को इंग्लिश में नेट कहा जाता है। ठीक है, किसी त्रिविमीय आकृति का पृष्ठीय जाल क्या कहलाता है, नेट, या द्विमीय आकृति होती है। ठीक है, इतना तो ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे। चलिए, ये आपका थ्योरेटिकल में दिया गया है, आप इसको पढ़ के देखेंगे, प्रयोग करके देखेंगे। ठीक है, सबको पता है ये क्या दिया गया है, आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा पॉइंट इस ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम पढ़ेंगे, घन, घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, गोला, ठीक है, बेलन, शंकु, सबके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, घन और घनाभ। ठीक है, तो घन और घनाभ, तो सबसे पहले घन और घनाभ का भाग देखने से पहले हम ये जान लें कि घन और घनाभ होता क्या है। ठीक है, तो घनाभ जो होते हैं ये क्या है आपका, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, घनाभ जो है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की वैल्यू क्या होती है, तीनों का मान असमान रहता है। ठीक है, ये आपका घनाभ होता है। और घन बोल सकते हैं लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, मतलब इसमें समान होता है, घन में ऊंचाई लंबाई क्या होता है, समान होता है, और क्या बोलते हैं, घनाभ में तीनों की वैल्यू असमान रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आपका फॉर एग्जांपल के तौर पे घन और घनाभ दिया गया है, देखिए आयत के फॉर्म में है वो घनाभ है, और वर्ग के फॉर्म में है वो क्या है, घन है। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखेंगे, घन और घनाभ, देखिए ए बी सी डी ई एफ और जी एच, ठीक है, मतलब ये आकृति 7 और आकृति 8, आकृति 7 आपका घनाभ है और आकृति 8 आपका घन है। ठीक है, घनाभ में देखिए, घनाभ में आपका क्या होता है, घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, शीर्ष को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एज बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, घनाभ जो होता है उसमें 8 शीर्ष होते हैं, शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स भी बोला जाता है, और 12 कोर होते हैं। ठीक है, 12 कोर को इंग्लिश में एज बोला जाता है। ठीक है,
तो देखिए आपका जो डायग्राम साथ में दिया गया है, घनाभ में क्या है, 8 शीर्ष हैं, मतलब शीर्ष क्या है आपका, वर्टेक्स, ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, जो नामकरण हम किए हैं ए बी सी डी, ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, वर्टेक्स हैं, ठीक है, जो नाम दिए हैं वो आपका वर्टेक्स है, और कोर जो होता है वो एज जो होता है, ये दो वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन जो बनती है, या बोल सकते हैं दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन बनती है, यही लाइन आपका एज कहलाती है, ठीक है। जैसा कि ए बी को मिलाने वाली लाइन क्या है, ये लाइन बनी, ए बी बनी, ठीक है, ए और बी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ए बी बनी, उसको हम ई वन ले लेंगे, एज वन। ए और एफ को भी मिलाने वाली लाइन को हम क्या ले लेंगे, दूसरा ले सकते हैं, तो ई टू, ठीक है। इस तरीके से आपका करेंगे तो कितना बनेगा देख लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, अच्छे से देखते रहेंगे, 6 7 8 9 10 और 11 और 12, ठीक है, कितना हुआ टोटल 12। आप और काउंट करके देख लेंगे अच्छे से, नाम देते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव और ई सिक्स ई सेवन ई एट ई नाइन ई टेन ई इलेवन और ई ट्वेल्व, हो गया, और कोई पॉइंट नहीं छूटा, तो ये आपका क्या हो गया, 12 कोर हो गए और 8 शीर्ष हो गए, ठीक है। और घनाभ के सम्मुख कोर बराबर होते हैं, कहने का मतलब क्या है, सम्मुख कोर मतलब जैसा कि आपका देखिए यहाँ पे आप बता सकते हैं ए एफ जो दिया गया है, ठीक है, ये किसके बराबर है, कोर बोला है ना, कोर मतलब लाइन है ना, ए एफ किसके बराबर होगा, सम्मुख कोर मतलब सामने का, ठीक है, डी ई के बराबर है, इसी तरीके से डी ई बराबर होगा सी एच के, सी एच बराबर होगा बी जी के, है ना, ये सब एक दूसरे के क्या है, सम्मुख कोर हैं, और इसी तरीके से डी ए आपका बराबर होगा सी बी के, और सी बी बराबर है एच जी के, और एच जी बराबर है एच एफ के, तो सॉरी ई एफ के, तो ये क्या है, एक दूसरे के सम्मुख कोर हैं, ठीक है, और सम्मुख कोर तो बराबर हो गए, और इसी तरीके से आपका पृष्ठ जो है वो भी क्या होता है, सम्मुख एक दूसरे के क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख पृष्ठ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसा अब कोर आपको पता चल गया, पृष्ठ देखेंगे, देखिए पृष्ठ मतलब जैसा हम बोल सकते हैं कि ए एफ ई डी एक पृष्ठ हो गया, उसी तरीके से जस्ट उसका ऊपर वाला पॉइंट देखेंगे, बी क्या है, सी बी जी एच दूसरा पृष्ठ हो गया, तो ये एक दूसरे के बराबर है ना, जैसा कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, जैसा कि ये एक चौक का डिब्बा है, ठीक है, आप देखते रहेंगे अच्छे से, ये एक चौक का क्या है, डिब्बा है, तो ये क्या आ गया आपका, घनाभ आ गया, ठीक है, घनाभ का एग्जांपल होता है, तो देखिए ये आपका जो ये ऊपरी फलक है, ठीक है, ये एक पृष्ठ हो गया आपका, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये ऊपरी फलक जो है ये एक पृष्ठ हो गया, इसको ले सकते हैं ए बी सी और डी, ठीक है, इसी के बराबर आपका नीचे का जो फलक होगा, ये फलक 1 2 3 और 4, ठीक है, तो वो किस किसके बराबर है, इसके बराबर है, तभी तो आपका सेफ आया है ना, बराबर वाला, ठीक है, तो यही बोला गया है कि जो है घनाभ के 6 पृष्ठ जो हैं ए बी सी डी, ठीक है, देखते जाएंगे आप ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी किसके बराबर है, ई जी सॉरी ई एफ जी एच के बराबर है, ठीक है, इसी तरीके से आपका ये बताया गया है ए एफ जी बी डी ई एच सी के, और ए एफ ई डी बी जी एच सी और ए बी सी डी और ई एफ जी एच आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका जब घनाभ के कोर सम्मुख कोर उसके बराबर होते हैं, ठीक है, आपस में बराबर होते हैं, और घनाभ के क्या है सम्मुख क्या है, घनाभ के सम्मुख क्या कोर बराबर होते हैं आपस में, और पृष्ठ भी सम्मुख पृष्ठ भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो ये तो रहा आपका घन और घनाभ के पृष्ठ के बीच में संबंध रहा, ठीक है। अब देखेंगे घन और घनाभ का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए घन और घनाभ का विकर्ण, डायगोनल ऑफ ए क्यूब एंड ए क्यूबाइड, ठीक है। क्यूब किसको बोलेंगे, घन, और क्यूबाइड जो है वो घनाभ होता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका किसका एग्जाम्पल, किसका डायग्राम है, घनाभ है, ठीक है। तो घन और घनाभ का विकर्ण जो होगा उसको देखेंगे। चलिए यहाँ पे आपका बताया गया है घनाभ का विकर्ण, ठीक है। घनाभ का विकर्ण की हम बात करें तो क्या होता है, देखिए चलिए देखते हैं। आपका दिया गया है, शिक्षक ने विद्यार्थियों से पूछा चौक के डिब्बे और कक्षा की आकृति कैसी है, ठीक है। तो चौक के डिब्बे और कक्षा की आकृति कैसी है आपको पता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कैसी है, घनाभ जैसी है। तब शिक्षक ने 5 विद्यार्थियों को बुलाकर उन्हें एक चाक के डिब्बे में पेंसिल रखने को कहा। विद्यार्थियों ने कहा कि पेंसिल किसी भी तल पर रखने पर डिब्बे में नहीं आती है, ठीक है। तो आपका बताया गया कि ए बी सी डी ई एफ जी एच चौक का क्या है, डिब्बा है, ठीक है। अब इस डिब्बे में पेंसिल को, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि ये जो डिब्बा है, ठीक है, तो देखिए ये हमारा चौक का डिब्बा और ये रहा आपका चौक, ठीक है। तो यहाँ पे हम चौक को भी ले सकते हैं या पेन या पेंसिल भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चौक को रख, आपको पेंसिल को रखना, चलिए ठीक है, एक डिब्बे में आपको क्या करना है, पेंसिल को रखना है। तो पेंसिल कब रखा है, देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि चौक के डिब्बे की लंबाई से ज़्यादा किसकी है, पेंसिल, पेन की लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इस पेन को इस डिब्बे में कैसे डालेंगे, डालना तो ऐसे सीधा सीधा डालेंगे तो नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। तो इसको डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम या तो पेंसिल पेन को ऐसे रखेंगे, ठीक है, देखिए इस तरीके से डालेंगे तो आ जाएगा। अब इसमें भी नहीं आता है तो हमारे पास ये तरीका हम यूज़ करेंगे, टेढ़ा रख देंगे, ठीक है। तब हमारा जो पेन है वो उस डिब्बे में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं घनाभ का विकर्ण, ठीक है, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, तो जब हम इस पेन को इस डिब्बे में इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, तो ये जो हमारा घनाभ का पॉइंट है, पृष्ठ है, वो क्या हो रहा है, बराबर भागों में टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा जो डिवाइडेशन लाइन बन रहा है ये क्या कहलाएगा, इसका विकर्ण कहलाएगा, ठीक है। इस पृष्ठ का या इसका घनाभ का क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। और या इसको हम इधर भी रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, ये विकर्ण हो गया, ठीक है। तो चलिए इसी को हम पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, इस डिब्बे में पेंसिल को, ठीक है, इस डिब्बे में पेंसिल को तल BGHC पर रखने पर हम देखते हैं कि पेंसिल डिब्बे के अंदर नहीं समा पाती, वही जैसा कि मैंने बोला है ना, क्योंकि पेंसिल की लंबाई डिब्बे की लंबाई से अधिक है। तब क्या पेंसिल को डिब्बे के अंदर नहीं रखा जा सकता, लेकिन पेंसिल को BGHC पर इस प्रकार रखें कि BH, ठीक है, BH का देखिए क्या क्या है, BH या CG, ठीक है, BH या CG की ओर हो, तब हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से रख सकते हैं। तब एक हमारी संभावना बनती है कि हम इसको रख सकते हैं, ठीक है, कि यदि शायद कि शायद पेंसिल डिब्बे में समा जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि BGHC में BH या GC की लंबाई BG और BC से अधिक है, ठीक है। आप डायग्राम देखते रहेंगे, एक चौक का या अन्य कोई खाली डिब्बा लेकर लेकर देखें जो घनाभ के आकार का हो, जैसा हमने देखा है ना। यदि पेंसिल को ऐसा रखने के बाद भी वह डिब्बे में नहीं समा पाता, तब क्या पेंसिल को रखने का कोई और तरीका हो सकता है जिसे पेंसिल डिब्बे में समा सकने की संभावना हो। तो अभी मैंने बताया कैसे रखेंगे, ठीक है, तो वही देखेंगे यहाँ पे। यदि पेंसिल को इस प्रकार रखें कि उसके सिरे DG या AH, देखिए DG, ठीक है, DG या AH, ठीक है, या FC या EG, EB,
की ओर हो, तब हम देखते हैं कि पेंसिल डिब्बे में समा जाने की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। यानी यह दूरी डिब्बे के अंदर की सबसे लंबी दूरी होगी, ठीक है। यानी AHDG, तो यह दूरी चौक के डिब्बे या घनाभ का क्या कहलाएगी? आकाशीय विकर्ण कहलाएगी। जो दूरी आपका उस डिब्बे की सबसे लंबी दूरी होगी, वही आपका घनाभ का आकाशीय विकर्ण या फिर घनाभ का विकर्ण कहलाता है, ठीक है। अब देखेंगे, इसे हम घनाभ का विकर्ण कहेंगे। समझ में आ गया? जैसा आपका ये घनाभ दिया गया, ठीक है, उसमें DG और FCEB आपका क्या है? ये सब क्या है? आपके घनाभ के विकर्ण है या आकाशीय विकर्ण है। और उसी के विपरीत यदि हम दूसरा तल लेंगे, तो उन विपरीत कोणों की दूरियां क्या कहलाएंगी? उसका उस घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण कहलाएंगी। जैसा कि आपका क्या है, पृष्ठीय विकर्ण में बन गया DF आ गया, AE आ गया, ठीक है, DH आ गया, DH देखेंगे, DH आ गया, उसी तरीके से आपका क्या आ गया, EC आ गया। ये आपका क्या है? पृष्ठीय विकर्ण, मतलब एक एक पृष्ठ का विकर्ण, ठीक है। घनाभ का विकर्ण टोटल का विकर्ण जैसे बनेगा वो कहलाएगा, और पृष्ठ का विकर्ण मतलब जैसे चार पॉइंट है, ठीक है, एक हाँ पृष्ठ का विकर्ण बोलेंगे। तो जैसे आपका ये बुक ले लेंगे, ठीक है, बुक में एक पेज ले लेंगे, उसमें ऐसे रखेंगे, तो ये इस पृष्ठ का विकर्ण और ये, ठीक है, इसका विकर्ण हो गया। अब इसी को देखिए, हम आपका फॉर्मूला के तौर पे बताते हैं, ठीक है, जो थ्योरी में पढ़े उसी को हम फॉर्मूला के रूप में देखेंगे। चलिए देखिए क्या दिया गया है, पृष्ठीय विकर्ण, जिसको इंग्लिश में फेस डायगोनल बोला जाता है, ठीक है, डायगोनल विकर्ण को बोला जाता है ना। तो पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए आपका डायग्राम दिया गया है, ठीक है, कि हम जानते हैं कि त्रिभुज ADC, ठीक है, एक क्या है, कौन सा त्रिभुज है, देखिए समकोण त्रिभुज है ना, जहाँ AD की लंबाई आपकी क्या है, AD बराबर A है, और CD बराबर या DC बराबर क्या है, C है, ठीक है। A और हमें इस पॉइंट को देखना है और इस पॉइंट को देखना है, ठीक है, A और C है। तब हम क्या करेंगे, बौधायन प्रमेय या बोल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और हम AC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो AC मतलब कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है, मतलब AC का मान हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, AC बराबर अंडर रूट क्या आ जाएगा, AD का होली स्क्वायर प्लस CD का होली स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप AD की वैल्यू पुट कर देंगे A का वर्ग, और CD की वैल्यू पुट कर देंगे C का वर्ग, ठीक है, तो हमें मिल गया D1 का मान। अब इसी तरीके से हम हमारे पास देखिए D1 का मान अर्थात AC जो है उस पृष्ठ का लंबाई हमें मिल गया वर्गमूल A का वर्ग प्लस C का वर्ग इकाई। तो ये होता है आपका पृष्ठ का विकर्ण। इसी तरीके से आप निकालेंगे, ये तो रहा आपका AC का, इसी तरीके से आप निकालेंगे AE के लिए और निकालेंगे AG के लिए, ठीक है। तो ये आपका पृष्ठीय विकर्ण है। अब देखेंगे हम, चलिए देखिए घनाभ का विकर्ण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि दिए गए घनाभ, ठीक है, 11 में पीछे साइड में है, उसमें भुजा ए इकाई, बी इकाई और सी इकाई है, ठीक है, तीनों भुजा की वैल्यू दी गई है, और एज घनाभ का एक क्या है, विकर्ण है, ठीक है। इसी में देख लीजिए आप, AH क्या है, घनाभ का क्या हो गया, विकर्ण, और AB और C इस घनाभ की क्या है, तीनों इकाई है, ठीक है, तीनों भुजा हैं। तब हमें क्या करना है, आपको विकर्ण का मान निकालना है। तो विकर्ण का मान निकालेंगे तो क्या होता है आपका, घनाभ का विकर्ण क्या आ जाएगा, देखिए अंडर रूट AH की वैल्यू, अंडर रूट AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर आपका, देखिए AH आपका क्या है, आप लेंगे AH आपका कर्ण है, ठीक है। तो आपके पास AE का स्क्वायर, आप क्या लिख सकते हैं, AE का स्क्वायर प्लस EH का स्क्वायर, तब आपको क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। बस ये अंदर वाला पॉइंट आप देखेंगे, ठीक है, AE और H को देखेंगे, त्रिभुज AEH में एक क्या है, त्रिभुज AEH एक समकोण त्रिभुज है,
तब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और AH का मान निकालेंगे, तो AE का वर्ग प्लस EH का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप AE की वैल्यू निकालेंगे तो AE की वैल्यू क्या मिलेगी, है ना, AE की वैल्यू आपका क्या है, देखिए A का वर्ग प्लस B का वर्ग वो है, ठीक है। तो A का वर्ग प्लस B का वर्ग आप करेंगे तो आपको किसकी मान किसकी वैल्यू मिलेगी, आपको देखिए A E की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो देखिए हम A E की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, ये जो है ठीक है, ये A E D है ना, A E D का वैल्यू आप पहले निकालेंगे, मतलब A E D ये जो छोटा सा त्रिभुज है A E D उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा, देखिए A E की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका कर्ण हो गया, तो लंब का वर्ग सॉरी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब यहाँ पे क्या है, आधार A का A है और यहाँ पे आपका कुछ नहीं दिया, मतलब इसके समरूप है ये, D E किसके समरूप है, ए एफ के, तो ए एफ की वैल्यू बी है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, ठीक है। डी वन की वैल्यू, डी वन स्क्वायर जो हमने इधर निकाला है बस वही वैल्यू पुट करना है, ठीक है, आप अच्छे से देख लेंगे। तो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और ई एच का स्क्वायर, मतलब ई एच का स्क्वायर, ई एच का स्क्वायर आपका क्या है, सी है, ठीक है, तो सी का स्क्वायर रख दिए। तो इस तरीके से आपका जो विकर्ण है ए एच उसका मान मिल गया वर्गमूल ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। तो ये होता है आपका घनाभ का विकर्ण, ठीक है, इकाई में लिया जाता है इसको, तो ये आप बता सकते हैं घनाभ का विकर्ण। और इसी तरीके से घन का विकर्ण की बात करें तो घन के विकर्ण में क्या होता है, भुजा जो है वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो घन की भुजा ए इकाई हो तो घन का पृष्ठीय विकर्ण क्या होगा, घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी, अर्थात आप याद रखेंगे ए अंडर रूट टू होगा, ये आएगा, ठीक है। और ए का वर्ग वर्गमूल से कट जाएगा तो आपका ए बाहर और वर्गमूल दो इकाई, ये होता है आपका पृष्ठीय विकर्ण घन का। और आकाशीय विकर्ण या फिर घन का विकर्ण बोलेंगे तो वो होता है आपका ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, तीनों बराबर है, घन में तीनों बराबर रहता है तीनों का मान, तो ये होता है तीनों को जोड़ेंगे तो तीन ए का वर्ग आ जाएगा और वर्ग वर्गमूल से कट जाएगा ए के लिए, तो ए बाहर और वर्गमूल तीन आपका अंदर, ठीक है। तो ये होता है घन का आकाशीय विकर्ण। तो इस तरीके से आप घन और घनाभ के आकाशीय विकर्ण या फिर घन और घनाभ के विकर्ण और उनके पृष्ठीय विकर्ण की फॉर्मूला देख लिए, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन हम देखते हैं, एक आध उदाहरण देखते हैं। चलिए देखिए घन और घनाभ का विकर्ण हो गया ए बी सी, यदि घनाभ की भुजा है तो उसका विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इकाई, ठीक है। और घन का विकर्ण की बात करें तो क्या है, ए अंडर रूट थ्री इकाई होगा। और घनाभ घन का पृष्ठीय विकर्ण की बात करें तो पृष्ठीय विकर्ण में दो पॉइंट लेना रहता है ना, तो ये हो जाएगा ए अंडर रूट टू इकाई, ठीक है। और इसी तरीके से घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण की बात करें तो इसमें भी दो पॉइंट आपको लेना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ घनाभ का, ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला आप बना सकते हैं, ठीक है, मतलब दो पॉइंट बस इन दोनों के लिए लें, ए और बी के लिए, ए और बी के लिए बस लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, ठीक है। या ए बी पॉइंट के लिए ही बस भुजा ए बी को के लिए ही ले सकते हैं या ए सी के लिए ही ले सकते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आपका ये उदाहरण देखेंगे, ठीक है। पहला ही उदाहरण देखिए क्या दिया गया है, एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई 4, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लंबाई क्या दिया गया है, लंबाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई चौड़ाई क्या दिया गया है, 4 सेंटीमीटर,
और ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई कितना दिया गया है आपका 5 सेंटीमीटर, तो आपका क्या निकालना है, आकाशीय आकाशीय विकर्ण, ठीक है, विकर्ण ज्ञात करना है, आकाशीय विकर्ण आपको ज्ञात करना है किसके, घनाभ की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे घनाभ का आकाशीय विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए घनाभ का आकाशीय विकर्ण क्या होता है, आपका फॉर्मूला क्या है, देखिए घनाभ का आकाशीय विकर्ण मतलब होता है उसका घनाभ का विकर्ण, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण यहाँ पे लिख सकते हैं आप, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है घनाभ का विकर्ण या आकाशीय विकर्ण, ठीक है, बराबर होगा आकाशीय विकर्ण बराबर क्या होता है अभी बताइए, वर्गमूल लंबाई का वर्ग, ठीक है, प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ठीक है। तो चलिए मान रखते जाएंगे, ठीक है, ये सॉल्यूशन है ना इस क्वेश्चन का, तो मान रखते जाएंगे। चलिए लंबाई का वर्ग, लंबाई कितना दिया है 10 है, तो 10 का वर्ग कर देंगे, प्लस चौड़ाई कितना दिया है 4 है, तो 4 का वर्ग, और ऊंचाई कितना है 5 है, तो 5 का वर्ग, ठीक है। तो इस तरीके से हम जोड़ देंगे सबका वर्ग करके, और वर्गमूल के अंदर में रहेगा। तो 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का 2 बार गुणा मतलब 100, प्लस 4 का वर्ग मतलब 4 का 2 बार गुणा मतलब 16, और 5 का वर्ग मतलब 5 का 2 बार गुणा 5 × 25। चलिए सब जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, देखिए 100, 16 और 25 जोड़िए कितना आ जाएगा 125, 16 और 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, 5, 11 और ये 41, ठीक है। 100 प्लस 41 जोड़ेंगे कितना आएगा 141, ठीक है, 141, और ये क्या होता है इकाई में होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आपका घनाभ का आकाशीय विकर्ण मिल गया, 141 वर्गमूल 141 इकाई। आप चाहेंगे तो इसको वर्गमूल को हटा भी सकते हैं, और नहीं हटाएंगे तब भी ठीक है, ठीक है। तो और इसको हटाएंगे भी तो इसका मान कितना होता है, 144 आपका कितना का होता है, 12 का होता है, ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, ठीक है। और इसका निकालेंगे तो आप लगभग इसका होता है 11.87, ठीक है, इकाई, ठीक है। तो आप इतना भी लिख सकते हैं। तो ये तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस फॉर्मूला आपको, ये चारों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्नावली का एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखते हैं हम, क्या दिया गया है, एक घनाभ 8 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर ऊंचाई है, घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकालना है, ठीक है। देखिए आपका प्रश्न दिया गया है घनाभ की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है ना, तो इसका क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे घनाभ के विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वर्गमूल लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ठीक है, ये हो गया, विकर्ण की लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे, आपके पास क्या दिया गया है, लंबाई का मान कितना है 8 मीटर है ना, तो यहाँ पे 8 का वर्ग रख देंगे, चौड़ाई कितना है 4 है, तो 4 का वर्ग, और ऊंचाई है आपके पास 2, तो 2 का वर्ग, ठीक है। इसको हल करेंगे, देखिए 8 का 2 बार गुणा प्लस 4 का वर्ग मतलब 4 का 2 बार गुणा प्लस 2 का 2 बार गुणा, ठीक है, 2 का 2 बार गुणा। तो यहाँ पे अब इतना तो आप सबको समझ में आ गया, ठीक है, कैसे किए हैं। अब यहाँ से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, और गुणा तो करके जोड़ भी सकते हो, या फिर यहीं से आप हल भी कर, यहीं से आप क्या कर सकते हैं, देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं,
2 × 2 × 2 लिख सकते हैं या फिर 2 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम छोटे छोटे रूप में तोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8 की जगह में हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, गुणा इसी तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को भी लिख सकते हैं 2 × 2, 4 के जगह में 2 × 2 = 4 × 2। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये 4 है ना, तो एक और रहेगा यहाँ पे, 4 × 4 = 2 रहेगा। ठीक है, और × 2 × 2। ठीक है, प्लस और गुणा में यहाँ पे ध्यान देंगे। अब यहाँ से देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 का यहाँ पे आप कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है 2 का 6 घात। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 का 4 घात और यहाँ पे प्लस 2 का 2 घात, हो गया इतना, इतना है आपके पास। तो चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 2 का वर्ग सबके पास है, तीनों के पास, तो हम 2 का वर्ग बाहर निकाल देंगे तीनों से, तो ये बच जाएगा आपका 2 का 4 घात प्लस 2 का 2 घात प्लस 2 का वर्ग तो बाहर, तो 1 बच गया। ठीक है, और इस 2 के वर्ग को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2, वर्गमूल के अंदर में बच गया 2 का 4 घात प्लस 2 का 2 घात प्लस 1। इसको आप लिख सकते हैं 2 का 4 घात मतलब 2 × 2 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 1। ठीक है, और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो 2 × 2 = 4 × 8। ठीक है, और एक और 2 रहेगा यहाँ पे, 2 × 4 × 8 × 16। ठीक है, तो ये आ गया 16 और 2 × 4। ठीक है, और प्लस 1, तो इतना टोटल करेंगे तो कितना जाएगा, 16 × 4 = 20 और 1 = 21। तो ये आ गया 2 √21, और ये क्या है आपका मीटर में है, तो मीटर ही लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका मिल गया विकर्ण की लंबाई 2 √21 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई मीटर में दिया गया है आपका सारा क्वेश्चन, तो ये आपका मिल गया 2 √21 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, देखेंगे क्या दिया गया है। एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 √3 सेंटीमीटर है और उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पूछा गया है, एक पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई पूछा गया है और एक आकाशीय विकर्ण की लंबाई पूछा गया है। ठीक है, या आकाशीय विकर्ण पूछा गया है, तो चलिए हम बताते हैं, बनाते हैं इसको, घन के लिए बताना है ना। तो घन का क्या होता है आपका, घन के भुजा, घन में भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, चलिए इसका हम पृष्ठीय विकर्ण निकालेंगे और आकाशीय विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है सॉल्यूशन इसका, देख रहे हैं। ठीक है, घन का पृष्ठीय विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, पृष्ठीय विकर्ण बराबर होता है 2 √a। ठीक है, सॉरी a√2, पृष्ठीय विकर्ण का फॉर्मूला। ठीक है, तो a का मान आपके पास दिया गया है, क्या है a का मान, मतलब a क्या है, जहाँ भुजा है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे जहाँ a भुजा है। ठीक है, अब देखिए, चलिए इसका मान निकालेंगे, घन का पृष्ठीय विकर्ण है ना, घन का पृष्ठीय विकर्ण निकालेंगे, तो उसके बराबर में हम लिख सकते हैं a की जगह में कितना लिखेंगे, 12 √3। ठीक है, और ये है गुणा 2√2 का, इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, 12 √3 और 2√2, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, 3 × 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका 12 √3 × 6 = 21। ठीक है, ये तो इतना हो गया, अब आपके पास ये मिल गया, अब आपको क्या निकालना है, घन का पृष्ठीय विकर्ण मिल गया और चाहिए आपको घन का पृष्ठीय विकर्ण,
साथ ही साथ घन का आकाशीय विकर्ण भी निकालना है। तो चलिए घन का आकाशीय विकर्ण निकालते हैं, ठीक है। आकाशीय विकर्ण इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख लेंगे घन का, है ना। तो घन का आकाशीय विकर्ण बराबर होता है a वर्गमूल 3, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान रखेंगे, a क्या दिया गया है, भुजा, ठीक है, इसी को लिख a का मान दिया गया 12 वर्गमूल 3। तो मान रखेंगे यहाँ पे 12 वर्गमूल 3 और यहाँ पे है वर्गमूल 3, ठीक है। तो इसमें भी हम कर सकते हैं 12 और दो बार है इसका मतलब, तो 3 × 3, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 और ये हो गया आपका 3 का वर्ग, वर्ग वर्गमूल से कट गया तो आपका बच गया 12 × 3, ठीक है। तो 12 का 3 से गुणा करेंगे, 12 × 3 = 36, ठीक है। अब देखिए इसको किस में लिया गया है आपका, सेंटीमीटर में, तो ये आपका सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। ये भी आपका विकर्ण की लंबाई, ये भी सेंटीमीटर में रहेगी, इकाई नहीं रहेगी, ठीक है। आपका सेंटीमीटर में प्रश्न दिया गया, तो ये आपका हो गया आकाशीय विकर्ण कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपका तीसरा जो प्रश्न दिया गया है, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है, ठीक है। तो कमरा आपका क्या होता है, घन में आता है कि घनाभ में आता है, उसको आप लोग देखिएगा और उस प्रश्न को बनाइएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।